मेरे साथ आज हैं फजाला शफीक साहबा। आप पास्टर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान में ही पास्टर हैं। तो फजाला शफीक साहब, आपने बहुत ह्यूमन राइट्स पे काम किया और आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो हमने अभी तक जो केसेस कवर किए हैं, ज़्यादा लड़कियों के भी और जिनसे मिले वो हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा हैं, क्योंकि सिंध में ज़्यादा वो आबादी, डेमोग्राफिकली उनकी ज़्यादा है पॉपुलेशन। लेकिन अच्छी खासी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के शहरों में आबाद है और उनके भी नस्बतन ज़्यादातर एक ही किस्म के मसाइल हैं नॉन मुस्लिम्स के इन जनरल, तो क्रिश्चियन के भी वही हैं। और उसमें से एक जो मसला है, प्रॉब्लम है, इशू है, वो है फोर्स कन्वर्जन का। तो आप जो हैं फोर्स कन्वर्जन के केसेस भी डील करती हैं, तो हम आपके तजुर्बे से ये समझना चाहेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्टेटस क्या है, वो किस तरह से लड़कियां जो हैं, जो सर्वाइवर्स हैं या जो अफेक्ट होती हैं, वो उनकी नोयत क्या होती है, क्या ये फोर्स कन्वर्जन होती है या फोर्स मैरिज है या ये लव मैरिजेस होती हैं, फिर कन्वर्जन इसमें क्या लाजमी होता है करना, ये इसको आप कैसे देखती हैं, क्या आपके तजुर्बा है? थैंक यू वेरी मच। बहुत मशकूर हैं आप सबके के जो इस इशू को एक इशू समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी या इर्द गिर्द के जो माशरे के लोग हैं वो तो समझते हैं ये इशू ही नहीं है, लेकिन कुछ आप जैसे दीदावर लोग हैं जो समझते हैं कि ये इशू है। और क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा उठाया है कि ये लव मैरिज है या ये फोर्स कन्वर्शन है या ये फोर्स मैरिज है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अदारे या आम तौर पर लोग जवाब देते हैं वो ये आम सोच है कि ये लव मैरिजेस हैं। ठीक है, पहले तो इस लव मैरिज को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। लव का बहुत सी जगहों पे लव का आंसर होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जहाँ लव का आंसर है, दूसरी तरफ क्या है कि वो अंडर एज है बच्चा, वो 13 साल का है, वो 15 साल का है, वो 12 साल का है। अब मुझे ये बताएं कि 12 साल का बच्चा, 13 का, 14 का, 15 का, वो लव का फैसला कैसे कर सकता है? क्या 13, 14, 15 साल के 9 साल की जो बच्चियां इसका विक्टिम बनती हैं, बहावलपुर में सदफ 9 साल की बच्ची, क्या आप 9 साल की या 14 साल की या 15 साल की बच्ची कोई और बड़ा फैसला करे, ठीक है, क्या आप उसको तस्लीम करेंगे? मसलन वो यही फैसला कर लेती है कि नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, क्या सोसाइटी उसको सपोर्ट करने लग जाएगी? मैं अभी एक 15 साल की या 16 साल की बच्ची को मैं ले जाती हूँ नादरा में, वो मुझे इंसिस्ट करती है कि नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा के दें, मुझे चाहिए क्योंकि मैंने ड्राइविंग करनी है, मुझे सिम लेनी है। आप वहाँ पर पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो मुझे भी पागल गर्दानेंगे और उस बच्ची को भी कि आपको कवानीन का नहीं पता, आपको जाब्तों का नहीं पता। तो जब आप ही के हमारे ही मुल्क की कवानीन है ना कि 18 साल से नीचे बच्ची या बच्चा शादी नहीं कर सकता, 18 साल से नीचे वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता, वो सिम नहीं खरीद सकता। टेलीफोन की सिम क्या चीज़ है? बच्चा यूज़ कर रहा है, 10 साल की उम्र से यूज़ कर रहा है, बट लीगली वो अपने नाम से 18 साल से पहले सिम नहीं खरीद सकता। वो सिगरेट नहीं ले सकते, सिगरेट नहीं ले सकते बच्चे 18 साल से नीचे। तो शादी जो एक इतना माशरे का अहम पहलू है, एक ख़ानदान जो है वो माशरे को मुरतब करते हैं ना ख़ानदान, तो वो ख़ानदानी ज़िंदगी में दाखिल होने के फैसले अगर लव मैरिज से ही जी बच्ची ने शादी की, तो आप कैसे उसको कह सकते हैं कि ये सही फैसला है? तो अदारों को, कवानीन को किसकी मदद करनी चाहिए कि वो बच्चा अगर गलत कर रहा है, जैसे वो ही बच्ची या बच्चा मुझे कहता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मुझे ड्राइविंग करनी, हम सब उसकी काउंसलिंग करेंगे, हम उसको समझाएंगे, उसकी मदद करेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। इसी तरीके से अगर कहीं लव का आंसर आ भी जाता है, जो कि कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है, उसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, अगर आ भी जाता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है सोसाइटी की, अदारों की, कानून की, कि उस बच्चे को समझाए दिस इज़ इलीगल। हमारा उल्टा करदार है, हमारे अदारों का, हमारी पुलिस का, हमारी अदलिया का उल्टा हमें नज़र आता है कि वो उस बच्ची को डिफेंड करने लग जाते हैं।
तो एक तो लव मैरिज वाली इस चीज़ को समझ लें कि अगर है भी तो वो बच्ची है, वो छोटी उम्र की है, उसको समझाना हम सब की जिम्मेदारी। दूसरा, फोर्स कन्वर्शन अंडर एज मैरिज में तो वो है ही, फोर्स कन्वर्शन जो है। मैं वो बच्चियों से भी आपको मिलवा सकती हूँ कि 18 साल से बड़ी शादी की और जी वो मुसलमान है, वो कहती मैं तो कभी मुसलमान हो ही नहीं, मुझे तो आज तक कलमा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सारे, मेरी सनद भी है, मेरे डॉक्यूमेंट सारे एज अ मुस्लिम बने हुए हैं। दुर्गा का केस एडल्ट एडल्ट अडल्ट है वो, 18 साल से ऊपर, ये 18 साल से ऊपर वो बच्ची भी मैं आपको मिलवा सकती हूँ। अच्छा, उसके वालदैन मेरे पास, उसकी FIR दर्ज है, वो वापस आई है। अब वो कहती मैं कभी मुसलमान हुई नहीं, मुझे क्यों, मुझे नहीं पता, वो अनपढ़ है, ठीक है। वो कहती मैं तो क्रिश्चियन हूँ, तो ले क्यों मेरे डॉक्यूमेंट्स, जब सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, मैंने उसे बताया कि आप तो पेपर्स पर मुसलमान है, कहती मुझे कभी किसी मौलवी के पास नहीं लेकर गए। क्यों, शादी एक जुर्म है ना, आप किसी की बच्ची को निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर आप ही के मुल्क के कवानीन मुकरर किए हुए हैं, इस्लाम के लिहाज से ही देख लें, वली होना चाहिए। इन सारे केसेस में वली कभी आपको नहीं मिलेगा, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। अच्छा, फिर आप उठाते हैं क्रिश्चियन बच्चियों को, तो क्रिश्चियन बच्ची पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती, वो क्रिश्चियन वालदैन की बच्ची है ना, बाकी चीज़ों पे उस पर क्रिश्चियन लॉज अप्लाई होते हैं, तो शादी में तो हमारे क्रिश्चियन मैरिज के अंदर 18 साल से तो नीचे शादी है ही नहीं, और दो, इस्लाम में एक वली की ज़रूरत है, क्रिश्चियनिटी में दो की ज़रूरत है, ठीक है। वो दो, कभी किसी ने पूछा कि ये मज़हब की तब्दीली का भी आप साथ जोड़ देते हैं, आप शादी को भी जोड़ देते हैं, तो इसके वाली वारस किधर हैं? क्या इस्लाम का नाम लेकर सारे कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं? देखिए, इस इन केसेस में जो एक बड़ी कॉमन बात है कि कलमा पढ़ के पहला झूठ बच्ची से क्या बुलवाया जाता है कि मैं 18 साल की हूँ। कलमा या दीन तो ये नहीं कहता कि आप झूठ बोले, कलमा पढ़ के आप उससे ये झूठ बुलवाते हैं, सारे कुछ उसे कहते हैं कि भी झूठ की बेस पे। आरजू केस में आप देख लें, उस बच्ची के जहन में इतना वो ग्रिल कर दिया है कि वो अपने बाप को समझा रही है कि मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं 18 साल की हूँ। कोई भी उसे मिलने जाता है ना, उसको यही बताती, नहीं, मैं 18 साल की, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। इतना उसको ग्रिल कर दिया गया है कि अगर, क्योंकि तूने सच बोला तो शायद तुझे मार देंगे, तेरे वालदैन को मार देंगे, या जो जिस फैमिली ने किया है वो बार बार कहती है उसको सजाए मौत हो जाएगी, उसको सजाए मौत हो जाएगी। अब ये 13 साल की बच्ची है, वो 37 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब दोनों का मेंटल लेवल देख लेना। जी, अब आरजू के केस की मैं थोड़ा स्टेटस मुझे बता दें, क्योंकि मैंने थोड़ा उसको फॉलो किया। अब वो उसकी मैरिज वैलिड है या इनवैलिड है, या अभी उसका स्टेटस क्या है, मुसलमान है कि नहीं है ऑफिशियली, क्या यानी कि उसका स्टेटस क्या है? देखें, वो क्रिश्चियन बच्ची है, क्रिश्चियन वालदान की बच्ची है, और हमारा यही कहना है कि वो जो फेथ वालदैन का है वही बच्ची का है। क्योंकि पहले उसका स्टेटस बता दूं, सेवरल जगहों पे उन्होंने कोशिश करके देख ली भी ये तो बीवी है, ये तो शरीयत के मुताबिक प्यूपर्टी अटेन कर चुकी है, और उसने अजहर ने डाले कोर्ट में केस कि ये मेरी बीवी मुझे दी जाए। नीचे वाली कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया, अब वो गया हाई कोर्ट में कि ये जी जो आरजू केस में जो एज है इसको डिफाइन किया जाए शादी की, क्योंकि वो तो शादी की उससे कर ली है और वो तो मैच्योर है, प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है, तो हाई कोर्ट ने भी उसको नहीं एंटरटेन किया। उन्होंने कहा अगर आपने इस किस्म के मामला डिस्कस करने, आप शरीयत कोर्ट जाए। मैं नेहा केस को लेकर आपको इसको डिफाइन कर सकती हूँ। नेहा केस में जो कि 13 मई 2019 में वो रजिस्टर हुआ, वो बंदा 47 ईयर्स ओल्ड था उस वक्त, नेहा 14 साल की थी, जेल डाल दिया, सेम डे अरेस्ट हो गया। इतने साल से वो जेल में है, केस चल रहा है, ठीक है।
और नेहा के केस में अनफॉर्चुनेट है कि उसके वालदैन को जो मुसलमान ख़ानदान था उसने ऑक्यूपाई कर लिया, नेहा को उसके ताया ने कस्टडी ले ली कोर्ट से, क्योंकि नेहा कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं तो किसी और फेथ में नहीं जाऊँगी, ना वो इस शादी को तस्लीम करती। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो डुप्लीकेशन ऑफ लॉज है, एक तरफ आपका कानून है कि 18 साल से छोटी बच्ची शादी नहीं कर सकती, आरजू केस में भी कह दिया ये इल्लीगल मैरिज है, नेहा केस में भी कह दिया, सारे उसमें आप ही का कानून है ना, आपने ऑसिफिकेशन टेस्ट भी करवा लिया, साबित हो गया, यानी डॉक्यूमेंट्स भी नादरा के मौजूद हैं कि वो 14 साल की है, आपने हड्डियों से जो उम्र का तयन करते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसे कहते हैं वो भी करवा लिया, उससे भी एज मुतय्यन हो गई, चाहे वो आरजू है, चाहे वो नेहा है, चाहे वो मिशेल है, चाहे वो दुर्गा है, इन सारे केसेस में बात कर रही हूँ। उसके वालदैन ने, नेहा के वालदैन ने दो मरतबा कोर्ट में केस डाला कि हमारी बच्ची 18 साल की है और ये उसकी बीवी है। यानी एक तरफ आप मुसलसल कह देते हैं ये इलीगल मैरिज है, लेकिन स्टिल नेहा टिल डेट शी इज़ अ वाइफ टू इमरान, वो किसी वक्त भी इसको अगवा कर ले, खींच के ले जाए तो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, जब तक वो नहीं होती, अच्छा डेजोल्यूशन मैरिज के लिए हमें वेट करना पड़ता, पहले क्रिमिनल सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाए फिर आप डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज डाल सकते। स्टेट ऑफ ये चीज़ें नहीं होती कि आपका लॉ है, आपने कह दिया ये लीगल मैरिज है, अब ये बीवी नहीं होनी चाहिए, बट 3 साल के बाद अभी तक नेहा ऑन ग्राउंड्स ऑन इन लीगल टर्म्स शी इज अ वाइफ टू। तो ये जो लीगल कंफ्यूजन है ये जानबूझ के किसी ने किया या ये भूल चूक हो गई, ये कर सकते थे ठीक बनाने वाले? देखिए इसको ठीक किया जा सकता है, इसको उन्होंने मुझे नहीं पता इसको एड्रेस करना चाहिए था, वो कुछ केसेस में कहते हैं जहां वाकई वो शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी तो 18 साल से ऊपर है ना, उसमें आप ये एज का एक डिफाइन करें कि 18 साल से नीचे जो शादी है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, लेकिन 18 साल से ऊपर जो है उसमें भी कई दफ़ा आपको पता वालदैन, क्योंकि एक केस ऐसा था जहां 24 साल थी बच्ची की उम्र, उससे शादी की और वालदैन ने कहा ये तो 15 साल की है ठीक है, लेकिन वहां पे ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ और वो वहां से साबित हुआ कि नहीं ये 24 ही साल की है। ऐसे केसेस में जहां एज बड़ी है और वालदैन प्रोक्लेम कर रहे हैं जी वो तो अंडर एज है, तो वहां पर आप कहें कि शादी ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होती, वहां लड़के लड़की की कंसेंट जब तक ना हो आप शादी ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक बारीक चीज़ है जिसको मेरा ख्याल आप डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने इस पर बात की वो यही कहते हैं कि बाज़ औक़ात लड़की की मर्ज़ी होती है और वालदैन झूठ बोल रहे होते हैं, और एक केस में मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो बच्ची ने अरूज उसका नाम था, उसको भी लाहौर से आई थी, उसे यहाँ शादी की, वालदैन ने आकर मुकदमा कर दिया जी ये 15 साल की मैट्रिक की स्टूडेंट है, वो भी मैंने उस केस को डील किया था, तो उन्होंने लड़के को दोनों को अरेस्ट किया, जब कोर्ट में केस पहुंचा लड़के को बेल दे दी गई, लड़की को शेल्टर में भेज दिया गया था क्योंकि माँ चीख चीख के रो रो के कह रही थी ये 15 साल की, ये तो मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है, तो वहाँ पर ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ, जब ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ तो वो 24 साल की आई जो कि उसकी एक्चुअल उम्र थी जो बच्ची बता रही थी, तो वहाँ पर फिर वो शादी आज तक कायम है उस लड़के लड़की की। तो बात ये कि यहाँ आपको डिफाइन करना है कि 18 साल से ऊपर अगर ऐसा कोई केस होता है तो वहाँ ऑटोमेटिक शादी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, लेकिन 18 साल से नीचे जहाँ आप खुद लिख देते जजेस इलीगल, तो इलीगल जहां आपने डिक्लेयर कर दिया, आपके कानून ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 18 साल से नीचे है, तो वहां ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे नेहा पर सेवरल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इसको अगवा करने के, इसको लेकर जाने के, तो अभी भी किसी दिन अगर वो उसको ले जाते हैं तो वो एक जो खौफ है सारा वक्त कि अभी तो सेफ इसलिए ना कि वो ताया के पास है या कोर्ट ने कस्टडी ताया को दी है, लेकिन वो ले जाता है और वो कहता है ये मेरी बीवी है, और उस तक हमारी एक्सेस नहीं होती, उसको गायब कर देते हैं इन केस, तो वो तो कहेगा वो तो मेरी बीवी है, शादी तो नहीं डिसॉल्व हुई, हमारे पास डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। देखें मुझे जितना पता है कुछ इंटरव्यू में पता चला कि
क्रिश्चियन जो है उसके साथ तो बगैर मजहब के भी तब्दील के भी शादी हो सकती है, तो फिर मजहब क्यों तब्दील करते हाँ जी, ये भी मेरा एक अहम क्वेश्चन है कि जबकि इस्लाम, ठीक है, कुरान मजीद इस और इस्लामी शरिया आपको इजाज़त देती है अहले किताब कि आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका मज़हब, आपका कानून, आपकी शरीयत आपको ये इजाज़त देती है कि आप वो क्रिश्चियन रहे, आप मुसलमान रहे, आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बीइंग क्रिश्चियन इसको डिस्करेज करती हूँ क्योंकि मेरी बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुल्क की कानून की, अच्छा, ठीक बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती, नहीं क्या? बाइबल इसकी इजाज़त मुसलमान के साथ शादी कतर कतर इजाज़त नहीं जब तक वो मुसलमान क्रिश्चियन ना हो। हाँ जी, अच्छा, इजाज़त नहीं देती, ठीक है। हिंदू के साथ किसी सूरत नहीं इजाज़त, सिर्फ आप क्रिश्चियन क्रिश्चियन के साथ शादी करेगा। अच्छा, अहम मेरा सवाल था, अब क्या होता है, इट मीन्स ये चीज़ साबित करती है कि ये जुर्म होने जा रहा है, अगर तो आप मजहब की खिदमत कर रहे हैं ना, अगर आप अपने शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो आप तो उसको रहने दें। मैं इसकी एग्जांपल, एक बच्ची है यहाँ पर, दुर्गा का केस इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। दुर्गा को जब ले जाया गया था, शी इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल, ठीक है, उसको जब ले जाया गया था, ये मेरा ख्याल अगस्त 2019 की बात है, शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, ले गए क्योंकि वो गांव में थी, इंटीरियर सिंध की बात है, वहाँ उसको लीगल एड नहीं मिल सकी। अब वो पिछले साल 24 दिसंबर को वहाँ से एस्केप करके आ गई। अब जब दुर्गा ने वहाँ से एस्केप किया तो दुर्गा दो बच्चियों की माँ है, एक बच्ची 4 माह की, एक बच्ची 1.5 साल की, तो वो छोटी बच्ची को उठा के वहाँ से भागने में कामयाब हो सकी, बड़ी बच्ची को ज़ाहिर कैरी वीक सी है, मैं दोनों को तो नहीं उठा के भाग सकती थी। उसका केस कोर्ट में चल रहा। अब सिंस शी इज़ अ मदर ऑफ टू, तो मैंने उसकी रिकॉन्सिलिएशन की, मैंने कहा, वो कहती मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कभी मुसलमान नहीं हुई, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मुसलमान के बने हुए हैं। अच्छा, तो मैंने उसकी रिकॉन्सिलिएशन की, मैंने कहा देखो, जैसे आप माँ हैं तो इसी तरह उसका बाप है, ठीक है, तो अब दो बेटियों की आप माँ हैं तो ये बच्चियाँ बाप से महरूम हो जाएंगी, तो अगर आप उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सकती हैं उस करें, क्योंकि हमारा मकसद ख़ानदान तोड़ना नहीं है। अच्छा, वो बच्ची मान गई, तो कहती लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं क्रिश्चियन रहूँगी और मैं शहर में रहूँगी, मैं जॉब करूँगी, मैं अपनी बच्चियाँ पढ़ाना चाहती हूँ, और जो जिसने उसे अबडक्ट किया था बकौल उसके कि वो डाके मारता, चोरियाँ करता, ठीक है, उससे कहा अगर वो सारी चीज़ें छोड़ दें तो आई एम रेडी, ठीक। अब कोर्ट में गई, अब कोर्ट में अब वो बयान दे रही है, ठीक है, उसने खुला का केस डाला क्योंकि पेपर्स पे वो मुसलमान है। अच्छा, जज को उसने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पहले तो वहीं एक थरथली सी मच गई ना कि भाई ये कैसे। खैर, जज साहिबा उसे लेके अंदर गए और कोर्ट से अंदर चैम्बर में जाके उसे फुल अपना दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एज अ क्रिश्चियन रहना चाहती हूँ, अगर मेरा हस्बैंड ये सारी चीज़ों को मानता है तो मैं अपना ख़ानदान नहीं तोड़ना चाहती, ठीक। वो उस वक्त तो वो लड़का भी परेशान हो गया। अच्छा, इसमें ज़्यादा एज भी नहीं, एज कंपैटिबल है, वो लड़का शायद 26 साल का है और ये अभी तो वो 19 साल की हो गई है बच्ची, तब 16 की थी, यानी वो बिग एज डिफरेंस जो है ना, जो आम तौर पे ऐसे केसेस में होता है जी, वो 48 साल का होता है और यहाँ 12 13 साल की या 16 साल की बच्ची, ऐसा भी नहीं है, वो एज भी कंपैटिबल है, ठीक है। यानी इंसानियत पे काम करना ना, जो मैं चीज़ इधर एम्फेसाइज करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने उस लड़के को यहाँ बुलाया, मैंने उसको भी समझाया, मैंने कहा जैसे देखो ये बेटी है, ये तुम्हारी बीवी का सिर्फ एक ही है कि मैं क्रिश्चियन फेथ में रहना चाहती हूँ और मैं अपनी बच्चियाँ पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उस गांव में ना वो पढ़ सकती हैं और डाके और जो, खैर वो तो नहीं मानता मैं डाके डालता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ ये बताती है कि इनका रोज़गार ये है। मैंने कहा यहाँ हम आपकी सारी रिहेबिलिटेशन करने को तैयार हैं, तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, वो मेरे पास बैठ के मान गया, लेकिन बार बार क्या कह रहा है, मेरा वकील कहता है अगर तुमने ये बात कोर्ट में मानी तो वही तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, जबकि आप खुद समझते हैं कि मज़हब इजाज़त दे रहा है ना। मैंने उसे ये भी समझाया, तुम मुसलमान रहो, ये क्रिश्चियन रहे, तुम्हारा ख़ानदान ना टूटे, इन बच्चियों को बाप की मोहब्बत मिलती रहे, इस इशू को बना के आप ख़ानदान ना तोड़ें।
लेकिन उसके अंदर ये खौफ है, क्योंकि उसको ना मौलवी ये बात समझा रहा है, ना उसका वकील ये बात समझा रहा है, हम अपोजिट पार्टी हैं, तो उसको लग रहा शायद हम उसको ट्रैप कर रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो सोशल इश्यूज़ हैं, इन पे क्यों नहीं डिस्कशन होती, क्यों नहीं बात होती, क्यों नहीं उलमा समझाते? अब मौलवी ही देते हैं ना, ना बच्ची का शिनाख्ती कार्ड होता है, जिस वक्त ये शादी सर अंजाम दी जाती है, शिनाख्ती कार्ड आपको मस्ट तलब करना है, ठीक है? अगर आप नहीं तलब करते, चले कह दिया जी नहीं बना, जो हमारे होता है आमतौर पर, लेकिन उसके वालदैन का तो पूछ सकते हैं ना, उसके किसी बड़े का, आप अपने ही इस्लामी लॉ के मुताबिक वली का पूछ लें, क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक दो गवाह, दो बड़े होने चाहिए गार्डियंस वहाँ पर, वालदैन या गार्डियंस कोई ना कोई दो होने चाहिए। अगर ये हमारे जो बड़े लोग हैं ना, वो इस किस्म के क्राइम ना करें, तो ये बहुत सा माशरे में जो इंतशार है ये ख़त्म हो सकता है। अच्छा, आपको पता है एक फोर्स कन्वर्जन का बिल पेश किया गया था, वो पास भी हो गया था संसद असेंबली से, और उसमें आप समझती हैं कि ये जो आप उठा रही हैं क्वेश्चंस, इनकी रेमेडी उसमें है? अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम की शादी होती है, या क्रिश्चियन या हिंदू की होती है, या हिंदू और मुसलमान की आपस में शादी होती है, तो उसमें कौन सा ला, किस तरह से उसको डील करें? क्रिश्चियन ला के मुताबिक करें, मुस्लिम ला के मुताबिक करें, या एक जो आ गया अभी उसमें वो सारी चीज़ें वो क्लियर हैं, डिफाइंड हैं, कि उसको कैसे डील करेंगे अगर पास होता है तो? मेरी बात सुने, उसमें देखें कंसल्टेशन हम लोगों से हो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया जो कि और भी मैं इसे तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो ये है कि इस्लामिक लॉ ये है कि अगर वन ऑफ द पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, अपना दीन चेंज करता है, तो वो शादी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। मोहम्मदन लॉ ये कहता है कि अगर वन ऑफ द पार्टनर अपना फेथ, रिलीजन चेंज करता है, तो शादी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। ये मोहम्मदन लॉ है। हमारा क्रिश्चियन लॉ क्या है कि वन ऑफ द पार्टनर अगर कोई भी मज़हब इख्तियार कर ले, वो हिंदू हो जाए, वो मुसलमान हो जाए, वो सिख हो जाए, वट सो एवर वो रिलीजन चेंज करे, शादी नहीं टूटती। शादी सिर्फ़ और सिर्फ मौत की सूरत में टूटती है। इस वजह से हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप कहते हैं कि कन्वर्शन के लिए, क्योंकि ये फोर्स कन्वर्शन का बिल जो पेश किया गया, उसमें कहते हैं कन्वर्शन की कोई उम्र नहीं है। मुझे बताएं, बाकी सारी चीज़ों के लिए उम्र है, तो दीन की क्यों नहीं उम्र? हमें कोई इख्तलाफ नहीं है 6 साल का बच्चा मज़हब तब्दील करे अगर उसके वालदैन करते हैं। कोई क्रिश्चियन कंट्री में कोई ऐसा लॉ के भाई कन्वर्जन की, यानी कि कोई लिमिट रखी हो कि भाई क्रिश्चियनिटी से किसी और मज़हब में या किसी और मज़हब से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, तो उसकी ये एज लिमिट होनी चाहिए? देखें, हमारे यहाँ तो कोई सज़ा भी नहीं है ना, ठीक है ना? हमारे यहाँ तो खुद फैसला करना है कि आप क्रिश्चियन होना चाहते हैं या मुसलमान होना चाहते हैं। कोई आपको अपोस्टेट नहीं करार देता, कोई आपको सोशल बाइकॉट नहीं है, इस किस्म के ख़ास तौर पर रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है, ठीक है? इस वजह से वहाँ तो लॉ की ज़रूरत ही नहीं ना, ना कभी आप यहाँ पर ऐसे कोई आपको ऐसा एग्जांपल में नहीं मिलेगी, ठीक है? कि जी उधर से आया तो इसकी एज कम थी। बात हमें भी कन्वर्शन पे कोई हमें एतराज़ नहीं है। कन्वर्शन हो अगर जो एक इंडिपेंडेंट करता है, जो इशू समझने की ना मौलवी कोशिश कर रही है, ना वो काउंसिल कोशिश कर रही है। देखिए, इंडिविजुअल काउंसिल से मतलब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, जहाँ से इतराज़ात आते हैं, जाहिर है। अब क्या है कि 19 साल की बच्ची करे ना, 18.5 साल की, 18 साल एक दिन की बच्ची है ना, वो हो, हम नहीं कोई एतराज़ करेंगे। अच्छा। लेकिन उसके साथ शादी ना जुड़ी हो, जैसे मैंने अभी एक केस की एग्जांपल दी है ना, कि वहाँ बच्ची अडल्ट थी, 18 साल से ऊपर थी। अब वो कहती, मैं तो कभी मुसलमान हुई नहीं, तो मुझे कैसे कहते हैं मुसलमान, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ठीक। अब बात यह है कि क्या कन्वर्शन और शादी ये लाजमुल मलज़ूम है? जो हमारे उलमा को भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी शरीयत तो इजाज़त देती है, आपका इस्लाम इजाज़त देता है, आपका कानून इजाज़त देता है, आपका माशरा इजाज़त देता है कि आप मुसलमान रहें, वो क्रिश्चियन रहें, ठीक है? फिर आप क्यों इसको जोड़ते हैं?
अच्छा, ऐसे कुछ केसेस हैं आप, क्योंकि कम्युनिटी की इनसाइट से आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी कैसे, कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें क्रिश्चियन का अपना ही दीन हो, क्रिश्चियनिटी भी हो, इधर से मुसलमानों दोनों इकट्ठे रह रहे हो कराची में कहीं भी, बहुत हैं, बहुत सारे हैं बहुत से। ये तो कोई अजीब बात नहीं है, देर आर सो मेनी केसेस। एक मुसलमान है दूसरा क्रिश्चियन है लेकिन हस्बैंड वाइफ में रह रहे हैं। रह रही आपको बहुत से वकला में मिलेगा, जजिस के पास है को उनके, वो खुद मुसलमान है मिसेज उनकी वो क्रिश्चियन है, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। और इस माशरे में पाकिस्तान में दे आर लिविंग लाइक दिस। लेकिन हिंदू नहीं मिलता, हिंदू मुसलमान वो थोड़ा सा नहीं। वो क्योंकि इस मामले में ना हिंदू भी बहुत कट्टर है, कट्टर है काफी। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो अगर आप उसे अलाउ करते हैं कि वो एज अ क्रिश्चियन है, हस्बैंड मुसलमान रहे, और बहुत से तालीम याफ्ता पढ़े लिखे जो ऐसी एग्जांपल हो पढ़े लिखों में आपको मिलेगी, वो अच्छे तालीम याफ्ता हस्बैंड्स हैं, वो वकला भी हैं, वो जजिस में भी है, वो आम माशरे के लोग भी हैं जहाँ उनकी वाइफ क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन फेथ ऑब्जर्व कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शादी को और कन्वर्शन को अलग किया जाए, चाहे वो 18 साल से नीचे हो चाहे वो 18 साल से ऊपर हो, शादी करनी है ना तो उसके लिए कोई एज वो टाइम पीरियड लगा दें कि आप एक साल रहें मुसलमान। ये क्या वजह है कि चाहे वो 13 साल की है, चाहे वो 12 साल की, चाहे 9 साल की, 8 साल की, उसके साथ शादी क्यों जुड़ी हुई है? अच्छा, एक और चीज़ है, एनजीओ रिपोर्ट्स वगैरह में अखबारों में पढ़ते हैं कि 1000 लड़कियों की का जबरन मजहब तब्दील किया जाता है, एक मुहावरा बन गया। आप समझते हैं कि इतना बड़ा ये रेट या रेशो होगा? इससे ज्यादा बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा है। रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती। आप नादरा में जाकर देखें कि कितनी क्रिश्चियन बच्चियां जो मुसलमान हो रही, नादरा से रिकॉर्ड ले लें। नादरा आपने एक्सेस किया? उनके आपने बिल्कुल एक्सेस किया, उन्होंने हमें बताया। अच्छा, बहुत ज्यादा तेजी से कन्वर्शन हो रही है और अब तो छोटी बच्चियों की बहुत ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा कन्वर्शन क्या है, वो शादी के मामलात में ही है, क्योंकि चर्च उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें चर्च की भी मैं कहती हूँ वो वीकनेस है, चर्च को भी इस चीज़ पे सोशल डेस्क बनाने चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको बताएं आपका कानून क्या है और आप क्या क्रिश्चियन रहते हुए कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो आपने कहा 1000 तादाद, इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, आप एक टेबल पे हैं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक पाकिस्तान के, इस इशू पे उनका स्टांस एक है या डिफरेंट है, इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं? बिल्कुल यूनाइटेड है। अच्छा, सेम। अच्छा, ये जो हिंदू फोर्स कन्वर्शन का बिल पास हुआ, ये पास किया था नंद कुमार गोखलानी ने और असेंबली ने पास भी कर लिया, लेकिन गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट नहीं दी, तो ये हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इनिशिएटिव था, तो क्या आप अलग से कोई सोचते हैं कि इनिशिएटिव की ज़रूरत है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी कोई अलग से कोई बिल पेश किया जाए? सच देखें, ये आपने बिल की बात की थी, बिल में मैं दोबारा कहूँगी एतराज़ ये था किसी उम्र में भी कन्वर्शन हो जाए। हम ये कहते हैं कि किसी उम्र में भी कन्वर्शन उस वक्त हम कबूल कर सकते हैं जब वालदैन भी कन्वर्ट हो ना, फिर उसके चार बच्चे हैं, वो 1 साल का बच्चा है, वो 6 का है, वो 10 का, वो सब कन्वर्ट हो, लेकिन इंडिविजुअल कन्वर्शन हम नहीं एक्सेप्ट करते। दूसरा आपने कहा कि क्या हिंदू और ये क्रिश्चियंस की अलग अलग, इशू तो सेम है, इशू सेम है, तो इसमें हमें अलग अलग बिल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन दोनों की होनी चाहिए। जैसे अब मैंने वली की बात की, क्योंकि शादी इससे के साथ जुड़ी हुई है कन्वर्शन के साथ, तो मैं कहती हूँ ये कन्वर्शन ओनली फॉर द सेक ऑफ मैरिज कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ तबलीग नहीं हो रही है कन्वर्शन। ये क्राइम को आपने अपने क्राइम को एक लीगल वो या एक मजहबी एक्सेप्टेंस देने के लिए आप कन्वर्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि सिंध में हिंदू बरादरी अच्छी खासी तादाद में रहती है और उसका भी 85% अबाउट वो निचली जात के हिंदू हैं उनमें से, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की वो भी जो कन्वर्ट हुए हैं ज़्यादातर, मुझे इतना मालूम है, वो जो एक्स अनटचेबल्स थे उनमें से ज़्यादा कन्वर्शन हुई हैं। तो मेरे ख्याल में शायद स्टेटस सोशो इकोनॉमिकली दोनों का बराबर है।
अगर आप इन केसेस को कंपेयर करें, कन्वर्जन के केसेस को, ये जिस मैरिज की वजह से जो हो रही है, जैसे आप कह रही हैं, जैसे उधर पंजाब में हो रहा है कि उधर एक ट्रेंड चला था कुछ साल पहले कि चाइना में शादियां हो रही थी, चाइनीज दूल्हे आ रहे थे यहाँ से, ज़्यादातर वो क्रिश्चियन लड़कियाँ, पता चले थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी, तो इसका क्या कोई सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं इस किस्म की शादियों के, जो वन वे मैरिजेस हो रही हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से दूसरे एथनिक कम्युनिटीज़ में, मजाहब में, मुल्कों में, ऐसा क्यों? देखें, जो समाजी और माशी पहलू है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इसका विक्टम बनते हैं वही जो गरीब लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वो बन जाते हैं। उसके वजह ये होती है कि गुर्बत की वजह से वो चर्च में भी उस तरीके से इज्जत नहीं पाते या एक्सेप्टेंस नहीं उनकी होती, वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। या फिर मैं तो समझती हूँ कि शायद वो सोचते हैं कि हमारे पास, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चर्च तक ही जा सके, चर्च से भी उनके स्ट्रांग बाउंडिंग नहीं होती, तो वो फिर लोग भी देखते हैं इर्द गिर्द वाले कि ये तो तन तनहा ख़ानदान है, इनके पीछे किसने आना, तो वो इजी उसको टारगेट समझ लेते हैं। तो इस वजह से ये जो मौशी और समाजी पहलू हैं कभी आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि तालीम याफ्ता भी ये लोग नहीं होते। ज़्यादातर जो ये फोर्स कन्वर्शन का शिकार बच्चियाँ होती हैं ना, ये अनपढ़ और गुर्बत और पसमांदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ हैं, और क्योंकि लोगों को दिखता है कि इनका कोई सियासी वो भी नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, मुआशी स्टैंडिंग नहीं है, तालीम के लिहाज से ये अनपढ़ है, तन तनहा ये ख़ानदान है, तो इनके पीछे किसने आना। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो कि माशरे के लिए या मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे, करते क्रिमिनल्स हैं लेकिन बदनाम मुल्क हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गजल शफी।